दोस्तों बिहार के अररिया जिले में पत्रकार विमल यादव हत्याकांड मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्तों आपको बता दूं कि अपराधी ने विमल यादव के घर पर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। उधर से विमल यादव बाहर निकले, इतने में अपराधी ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और उनका मौत हो गया। दोस्तों क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। उससे पहले अगर आप बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारा चैनल द हिंदी न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अररिया जिले में पत्रकार विमल यादव हत्याकांड मामले में परिवार की तरफ से कुल 8 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जानकारी दी है कि इस हत्या के 2 आरोपी पहले से ही जेल में सजा काट रहे हैं, बाकी के 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी 4 अपराधी को भी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। डीएसपी ने फोन पर जानकारी दी है कि पुलिस को एक बाइक पर 2 अपराधियों का सीसीटीवी फुटेज भी मिला है। हालांकि इस वीडियो में उस अपराधी का चेहरा अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए 4 लोगों में से 2 लोग विमल यादव की हत्या में शामिल थे। विमल के पिता की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया था। एफआईआर में कहा गया है कि अपराधियों ने साल 2019 में विमल यादव के भाई की भी हत्या की थी। विमल यादव उस मामले में एकमात्र गवाह था और उस पर गवाही बदलने का दबाव डाला जा रहा था, जबकि विमल यादव अपना फैसला बदलने से बिल्कुल इनकार कर रहे थे। बिहार पुलिस ने जांच में बताया कि हत्या से पता चलता है कि मृतक उसके पड़ोसियों के साथ पुरानी दुश्मनी थी, यानी कि विमल यादव का उनके पड़ोसियों के साथ कोई पुराना दुश्मनी थी, इसी कारण उनका घटना हो सकता है। दोस्तों यह बात पुलिस द्वारा कहा गया है। सीएम नीतीश कुमार ने हत्या का संज्ञान लेते हुए विमल यादव के भाई की हत्या में राज्य से माफी मांगा था, जिसमें लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने कानून व्यवस्था को लेकर विफलता के बारे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आलोचना की थी। बाद में सीएम नीतीश कुमार ने अररिया में हुई इस पर बाद में सीएम नीतीश कुमार ने अररिया में हुई पत्रकार की हत्या पर दुख जताया था और कहा था कि खबर मिलते ही हमने अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करने का आदेश दिया था। दोस्तों एक बार सोच कर देखिए कि जो पत्रकार देश और समाज के लिए आवाज उठाता हो, उसी का हत्या और उसी को जेल में भेजा जा रहा है, या कहां तक सही है। दोस्तों आखिर बिहार में ऐसा कब तक चलेगा, आखिर कब तक यह जुल्म सहना पड़ेगा और यह कब खत्म होगा।